मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, इस शिवरात्रि पर पांच पत्ते, जी हाँ, पांच पत्तों से यदि आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो मिलेगी आपको अपार खुशियाँ। कौन से हैं ये पांच पत्ते, कैसे करना है अभिषेक इनसे और क्यों है ये भगवान को इतने प्रिय, सभी कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए। तो आइए जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर आपने कौन कौन से पांच पत्तों से भगवान का अभिषेक करना है। सबसे पहले बेलपत्र, जी हाँ, बेलपत्र भगवान को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं बेलपत्र के मध्य में सभी तीर्थ एक साथ विराजमान होते हैं। बेलपत्र के पेड़ के किनारे यदि आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उसका कई सौ गुना फल प्राप्त होता है। बहुत ही लाभकारी होता है बेलपत्र से पूजा करना। सावन के महीने में लगातार आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिवरात्रि पे आप लगातार बेलपत्र चढ़ाते हैं, सोमवार के दिन आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। अब दूसरा पत्ता कौन सा है? दूसरा पत्ता है भांग। जी हाँ, भांग के पत्ते। भांग वास्तव में एक औषधि है। समुद्र मंथन के पश्चात जब भगवान शिव ने हलाहल को पिया तो उनका उपचार करने के लिए भी भांग के पत्तों का भी यूज किया गया था। इन भांग के पत्तों से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फलों की और पुण्य की प्राप्ति होती है। दो तरह के पत्ते हो गए। अब बात करते हैं तीसरा ऐसा कौन सा पत्ता है जो आपको पुण्य की प्राप्ति देगा। तीसरा पत्ता है आग का पत्ता। जी हाँ, सफेद फूल वाले आग के पौधे आपने देखने को मिले हैं। आग का फूल भी भगवान को चढ़ाया जाता है और आग के पत्ते से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो अकाल मृत्यु भी टल सकती है। जी हाँ, अकाल मृत्यु को टालने के लिए भगवान शिव का आग के पत्ते से पूजन कीजिए। चौथा, धतूरा। जी हाँ, धतूरे के पत्ते को और धतूरे के फल को यदि भगवान को चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है घर के अंदर अन्न धन सदा के लिए भरा रहता है। अगला और पांचवा, दूर्वा। जी हाँ, दूर्वा जो घास के रूप में देखने को मिलती है, इजीली किसी भी पार्क में आपको मिल जाएगी। यदि आप भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि दूर्वा के अंदर अमृत भरा होता है। जी हाँ, दूर्वा के अंदर अमृत बसा होता है, जिससे यदि आप दूर्वा से भगवान का अभिषेक करते हैं तो उससे निश्चय ही बहुत 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 अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। पांच तरह के पत्ते बताए, पांच उपाय बताए। देखने में बड़े ही इजी, मिलने में बड़े ही इजी, छोटे से उपाय लेकिन काम बहुत बड़े बड़े। तो इस महाशिवरात्रि पर इन पांचों पत्तों से भगवान का अभिषेक अवश्य करें। एक ही जगह सारी चीज़ें मिलेंगी, एक ही शिव को अनेकों रूप में किस प्रकार आप प्रसन्न करते हैं ये तो आपके ऊपर है ना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, फिर कुछ नया लेकर आऊंगी, फिर कुछ इजी टिप्स आपको बताऊंगी कि कैसे आप इनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुचारू, सुगम, अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रहिए। वास्तु के लिए न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी विद्या सीखना चाहते हैं या कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी।